नमस्कार, आज पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये आपका ऑनलाइन कक्षा के क्रम में आज पुनः मेघदूत जो खंड काव्य है उस खंड काव्य को आधार करके आज प्रथम दिन हम लोग मंगलाचरण के जो प्रथम श्लोक है उसको हम लोग सुने थे। आज पुनः उससे आगे हम द्वितीय श्लोक के हम बारे में हम लोग आज पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, तस्मिन्नाद्रो कतिचिदबला विप्रयोक्त सकामे नेत्वा मासान कनकवलय भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लेष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। प्रेक्षणीयं ददर्श, ददर्श प्रकृत श्लोक यह क्रियापद है। ददर्श अर्थात देखा, दृश धातु से यह परोक्ष अनिर्तन भूत अर्थ में लिट लकार का यह प्रकृति रूप है। ददर्श अर्थात देखा, किसने देखा? सह ददर्श, उसने देखा। सह सह पद से किसको लिया जाएगा? तो पूर्वोक्त श्लोक में यह जो सह पद से पूर्वोक्त यक्ष लिया जाएगा, जो हिम वह यक्ष, उस यक्ष ने देखा। किसको देखा? तो मेघम ददर्श, सह यक्ष मेघम ददर्श, उस यक्ष ने मेघ को देखा। वह यक्ष है कैसा? पहला विशेषण उसका आता है कामी। कामी मतलब वह कामना से युक्त, कामुक। वह कामुक जो यक्ष है, वह उस यक्ष ने मेघ को देखा। और वह पुनः कैसा है? अबला विप्रयुक्त, अबलया विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त, अबला से वियुक्त अर्थात अबला से दूर। यह जो विप्रयुक्त शब्द है ना, बड़े ही अर्थ अपने अंदर छिपाए हुए हैं। युजीर जोगी है, अक्त प्रत्यय करने के बाद से युक्त बनता है, मतलब संयुक्त, उससे मिला हुआ, उससे जुड़ा हुआ। अप्रकर्षेण युक्त प्रयुक्त, मतलब अत्यंत सघन रूप से, अत्यंत घनिष्ठ रूप से जिससे संबंध हो उसे प्रयुक्त बोलते हैं। और विगत प्रयुक्त विप्रयुक्त, मैंने उसी प्रकार जिससे अत्यंत घनिष्ठ संबंध जिससे रहा, आज उससे अत्यंत दूर, अत्यंत दुस्सह स्थिति को प्राप्त। तो अबला विप्रयुक्त अर्थात तो अपने प्राण बल्लभा प्रियतमा जो यक्षणी है, उस यक्षणी से अत्यंत दूर, अत्यंत विरही अवस्था को प्राप्त, उससे वियुक्त वह जो यक्ष है, कामी यक्ष, उस यक्ष ने मेघ को देखा। अच्छा, पुनः कैसा है भैया? एक और विशेषण इसमें बताया गया है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। वह जो यक्ष है ना, वह देव जोनी विशेष है, जो देवताओं की जो जोनी में से यक्ष, गुह्यक, किन्नर इत्यादि आते हैं, ये आठ देव जोनियां बतलाई गई हैं। उसमें जो यक्ष जोनी है, देव जोनी विशेष है, वह देव जोनी बताया ही गया है कि अणमादिष्ट सिद्धियों से संपन्न रहते हैं और उनका वैभव अतुलनीय रहता है, अप्रतिम रहता है। वह अपने हाथों में स्वर्ण कुंडल को धारण किया करते थे। आज यह जो कलाई के भाग को हम लोग मणिबंध कहते थे, वह प्रकोष्ठ स्वरूप माना गया है मणिबंध को। जब वो सोने स्वर्ण कंगन को जब अपने हाथों में कलाई में जब धारण करता था, वो मणिबंध हुआ, जो वो जो स्थान है विशेष है, वह प्रदेश विशेष है, वो बड़ा ही सुशोभित रखता था। दोनों कंगन हाथ में क्या दिव्य लगता था, उसके स्वरूप दिव्य स्वरूप को
प्रतीत होता था, लेकिन वह अबला से विप्रयुक्त होने के कारण वह आज क्या है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कनकस्य वलय कनक वलय, कनक अर्थात स्वर्ण, वलय अर्थात कंगन, स्वर्णस्य कनकस्य अर्थात स्वर्णस्य वलय माने स्वर्ण कंगन। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ माने कनक वलयेन भ्रंश, कनक वलय से भ्रंश हो माने भ्रंश माने पतन से, माने स्वर्ण कंगन के पतन के कारण क्या है, तरितः प्रकोष्ठः यस्य सः कनक वलय भ्रंश रिक्तः प्रकोष्ठः, माने जिसके स्वर्ण कंगन के हाथों से गिर जाने के कारण शून्य हो गया हो, माने स्वर्ण कंगन के पतन के कारण शून्य मणिबंध वाला हो, शून्य रिक्त प्रकोष्ठ वाला हो, वाला ऐसा जो यक्ष अबला से विप्रयुक्त, अबला से वियुक्त अपने परावल प्रीतमान से वियुक्त, वह कामी उस यक्ष ने मेघ को देखा। कहां देखा, तो तस्मिन् अद्रौ, अद्रि अर्थात पर्वत की चोटी को कहते हैं, पर्वत की जो शिखर है उसको हम अद्रि कहते हैं। अद्रौ ये सप्तमी एक वचन का रूप है, अद्रौ माने पर्वते, तस्मिन् पर्वत शिखरे माने उस पर्वत की चोटी पर, कौन सी पर्वत, पूर्व में बताया गया रामगिरी आश्रम, रामगिरी आश्रम पर वो निवास करते था ना, तो रामगिरी आश्रम जो पर्वत ही जाते चित्रकूट जो पर्वत है, उस चित्रकूट पर्वत की चोटी पर, उस पर्वत की चोटी पर उस यक्ष ने मेघ को देखा। मेघ को कब देखा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास की वर्षा ऋतु के प्रारंभ, आषाढ़ मास में क्या हुआ, उसने आकाश मंडल में विचरण करते हुए उस पर्वत की चोटी पर दिखा दृश्यमान उस यक्ष, उस मेघ को उसने देखा आषाढ़ मास के प्रथम। ये आषाढ़ मास में देखा कैसे, क्या पूर्व रहत कतचिन मासान नित्वा, कतिपय मास को यापन करने के बाद से, व्यतीत करने के बाद से आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास के प्रथम दिन उस यक्ष ने मेघ को देखा। कतिपय मासान आगे उत्तर मेघ में शेषान चतुर्मासन चतुर्गमय, शेषान चतुर्मासन गमय ऐसे है, उस वर्ष में द्वादश माह होते हैं, बारह माह होते हैं, उसमें अर्थात आठ मास बीत गया है तब न चार शेष रह जाएगा, इसलिए आठ मासों के व्यतीत हो जाने पर यानी कतिपय मन कुछ महीनों के व्यतीत हो जाने पर वह आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में उस यक्ष ने मेघ को देखा। किस तरह मेघ को देखा, तो पहला विशेषण है आश्लिष्ट सानुम, उस तस्मिन् नद्रौ आश्लिष्ट सानुम मेघम दर्शः, उस यक्ष ने उस पर्वत की चोटी पर आश्लिष्ट सानुम आलिंगन करते हुए उस पर्वत को देखा, मेघ को देखा। वह पुनः कैसा है भैया, तो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा अर्थात वप्र क्रीड़ा को उत्खात केली क्रीड़ा के रूप में बताया गया है। इसमें होता यह है कि कोई उन्मत्त जो गजराज होते हैं या उन्मत्त वृषभादी होते हैं, नदी के मुहाने पर नदी के किनारे रेतीले जो प्रदेश होते थे, वो क्या होते थे, तूफान के कारण वो एक जगह टीले के रूप में परिणत हो जाते थे। मत वाला समझ लीजिए कि ये गजराज या वृषभादी बैल आदि ये अपने सिंह को से उसकी मिट्टी को उठाकर ऊपर की तरफ फेंकते थे, तो मानो कोई अपने तिरछे दंत करके मानो जिस प्रकार उस रेत के टीले को जैसे प्रहार करता है और उससे क्रीड़ा करता है, इसी क्रीड़ा विशेष का नाम उत्खात के लिए है, इसी को हम वप्र क्रीड़ा भी कहते हैं। मानो वप्र क्रीड़ा में परिणत गज के सदृश दृश्य, गज के सदृश उस मेघ को उसने देखा। इस प्रकार समग्र रूप से श्लोक संपन्न होता है। नद्रु अर्थात उस चित्रकूट पर्वत पर अबला से विप्रयुक्त और दुर्बलता के कारण स्वर्ण कंगन के पतन से अत्यंत रिक्त प्रकोष्ठ वाला, शून्य मणिबंध वाला उस कामी यक्ष ने कतिपय मास को कुछ मास के व्यतीत हो जाने पर अर्थात अष्ट मास के व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में
उसने मेघ उस चित्रकूट पर्वत पर आश्लिष्ट उसे आलिंगन मानो करते हुए और वक्र क्रीड़ा में परिणित उत्खात केली क्रीड़ा में परिणित गज के सदृश प्रतीयमान उस मेघ को देखा। और जैसा कि आपको विदित है ही कि प्रकृत श्लोक पूरे संपूर्ण जो काव्य है खंड काव्य गीत काव्य यह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में बड़े ही सुंदर उपमा का निदर्शन है। उपमा अलंकार में उपमा अलंकार दो प्रकार के पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में चार पद की बड़ी महिमा रहती है, एक उपमान की, एक उपमेय की, एक तत्व एक सादृश्य वाचक पद की और दूसरे साधारण धर्म की सादृश्य की। तो उपमान उपमेय में रहने वाला साधारण धर्म, तो यहाँ पर सब कुछ है परंतु सादृश्य वाचक पद नहीं है। यहाँ पर उपमान वप्र ये जो है आपका वप्र क्रीड़ा परिणत ये जो उत्खात के लिए परिणत गज है, उपमेय मेघ है और सादृश्य और दोनों में समझ ले कि क्या है, दोनों श्याम वर्ण के हैं और क्रीड़ा में परिणत हैं और यहाँ पर क्या है ये सादृश्य वाचक पद यू नहीं है। अतः यहाँ पर किसी एक चार रहित तो पूर्ण उपमा माने जाएगा लेकिन किसी एक का भी अगर लोपमा हुआ तो यहाँ पर लुप्त उपमा माना जाएगा। इस तरह से यक्ष के ये भाव को यहाँ पर निरूपण किया गया है।